गुंडे, बदमाशों, माफिया, सरगनाओं, तस्कर और आतंकवादियों के बाद अब बारी है कोठे वालियों की। अपराधियों के महिमा मंडन का कराची वुड का अभियान जारी है। एक फिल्म आई है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। इसकी कहानी मुंबई के रेड लाइट एरिया कामाटीपुरा की सरगना रही गंगूबाई काठियावाड़ी पर आधारित है। निर्माता है संजय लीला भंसाली और मुख्य भूमिका में है महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट। गंगूबाई के जीवन में ऐसा क्या था जो संजय लीला भंसाली ने उस पर फिल्म बना डाली? ये कहानी है 50 और 60 के दशक की। उन दिनों गंगूबाई काठियावाड़ी को कामाठीपुरा की क्वीन कहा जाता था। बड़े बड़े लोग उसके नाम से डरते थे। गंगूबाई की पहुंच तब के माफिया, सरगनाओं और देश के बड़े नेताओं तक हुआ करती थी। कहते हैं कि इनमें चाचा जवाहरलाल नेहरू का भी नाम हुआ करता था। गंगूबाई अपनी मर्जी से कामाठीपुरा नहीं आई थी, उसका असली नाम था गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। वो गुजरात के काठियावाड़ में एक संभ्रांत परिवार में पली बढ़ी थी। गंगा फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। 16 वर्ष की उम्र में उसे अपने पिता के अकाउंटेंट से प्रेम हो गया। उसके साथ वो बंबई चली आई। यहाँ पर अकाउंटेंट ने उसे 500 रुपए में कोठे पर बेच दिया और इस तरह से काठियावाड़ की गंगा बंबई के कामाठीपुरा की गंगूबाई बन गई। बाद में वो माफिया सरगना करीम लाला के संपर्क में आ गई। कामाठीपुरा में वो करीम लाला का धंधा संभालती थी। जैसा कि सारे अपराधियों के साथ होता है, वो अपनी छवि चमकाने के लिए समाज की भलाई के कुछ काम भी करते रहते हैं। गंगूबाई भी वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों के कल्याण और उनके पुनर्वास के काम करती थी। बस इतनी सी बात का सहारा लेकर संजय लीला भंसाली ने उसे महान समाज सेविका की तरह दिखाया है। हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक में लेकर ही रहूंगी। फिल्म में जमकर फेमिनिज्म का तड़का लगाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि गंगूबाई कितनी बड़ी हस्ती थी और समाज को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बीते 3-4 दशकों में मुंबई फिल्म उद्योग ने भारतीयों को केवल स्वयं से घृणा करना सिखाया है। फिल्मों का विषय चाहे जो हो, उनमें कुछ न कुछ ऐसी मिलावट अवश्य की जाती है जिससे लोगों में हिंदू धर्म, संस्कृति और देश के लिए घृणा पैदा हो। अपराधियों का महिमा मंडन भी इसी अभियान का हिस्सा है। ऐसी फिल्में बनाकर नई पीढ़ी के आगे नकली नायक गढ़े जा रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी इसका अपवाद हो, इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए। ये बॉलीवुड है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभावान कलाकार दम तोड़ देते हैं। भूमिका में फिट नहीं होने के बावजूद आलिया भट्ट जैसे स्टार पुत्रों को फिल्में मिलती रहती हैं। क्या इस बात को हम भूल सकते हैं कि सुशांत को मौत के मुंह में धकेलने वालों में आलिया के पिता महेश भट्ट का नाम भी सामने आया था? इसलिए ऐसे कलाकारों और उनकी फिल्मों से दूर रहने में ही भलाई है। बॉलीवुड का बायकॉट तब तक जारी रहना चाहिए जब तक वहां बैठे माफियाओं को समझ में ना आ जाए कि भारत बदल चुका है। अब मनोरंजन के नाम पर ईसाई कसाई गिरोहों और वामपंथियों का देश और समाज विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा।